हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सी फूड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी फूड का बिजनेस करने चाहते हैं, तो इसमें कितना फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप आप इसका बिजनेस कैसे शुरू करते हैं और उसके बाद इसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं हर्ष धवन, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करिए और भूलिए नहीं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सी फूड का अगर मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, तो इसमें मेरा एडवांटेज क्या होगा, रिस्क क्या होंगे, और सबसे बड़ी बात, मुझे किस अकॉर्डिंगली स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी कितना इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। सबसे पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट आपका लगभग 2 से 5 लाख मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप ये सोचते हैं 25-50 हज़ार में शुरू होगा, तो सर बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये ध्यान में रखिए। देखो यार, अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, खासतौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करने जा रहा हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होगा और कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं तभी अपने काम को बढ़ा पाऊंगा। एक बात बताओ, कोई भी सी फूड आपसे मंगवाता है तो 1 या 2 किलो या 5 किलो तो मंगवाएगा नहीं, तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं कॉम्पिटिशन की। देखो कॉम्पिटिशन इसमें आपको कम मिलेगा, कारण यह है कि हर कोई सी फूड एक्सपोर्ट नहीं करता, कुछ लोगों का माइंड नहीं जाता, और मैक्सिमम जो सी फूड होता है ना, वो यहीं पे लोकल मार्केट में लोग ज़्यादा बेचना प्रेफर करते हैं। रिस्क की बात करूँ तो रिस्क आपको क्या क्या देखना है, रिस्क इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट है। भैया देखो, सीधी सी बात है, मुझे यहाँ से अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो टाइम मैनेजमेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, शिप एक बार निकल गया तो मतलब निकल गया। पैकेजिंग का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से सी फूड, कितने तरीके के सी फूड होते हैं जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। दोस्तों अगर मैं सी फूड की बात करूँ, तो आप फिशेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मछलियों की बहुत अच्छी खासी डिमांड है और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद आप लॉबस्टर्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है, मार्जिन्स इसमें फिश से आपको ज़्यादा मिलेंगे। ऐसे ही क्रैब्स को आप एक्सपोर्ट करिए, इसमें अच्छा मार्जिन मिलेगा। प्रॉन्स में आप डील कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। श्रिम्प्स की बात करूँ तो इसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। ऑयस्टर्स की बात करूँ तो इसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। स्नेल्स की बात करूँ तो इसमें भी अच्छा मार्जिन मिलेगा। और अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूँ, जी हाँ दोस्तों, ऑक्टोपस, बहुत से लोग आपसे ऑक्टोपस भी मांगेंगे, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्जिन मिलेगा। और तकरीबन सारे सी फूड जितने भी आते हैं उसमें आपको मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है लोग आज की डेट में सी फूड की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये टेस्टी होता है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, फैट्स कम होता है, तो बहुत हेल्दी होता है सी फूड। तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ये बालों के लिए अच्छा होता है। चौथी सबसे बड़ी चीज़, ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। और पांचवी सबसे बड़ी चीज़, ये ब्रेन पावर को भी इम्प्रूव करता है, ओमेगा 3 इसके अंदर पाया जाता है, इसी कारण से ये बहुत फेमस होता है। और ख़ास तौर से मैक्सिमम हर देश में इसका इंटेक किया जाता है, इसको कंज्यूम किया जाता है। तो एडवांटेज आपको इसमें यह मिलेगा कि बायर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बायर ढूंढने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि सर बायर कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको बायर सबसे जल्दी और सबसे आसानी से मिलेगा। और ख़ास तौर से एडवांटेज इसका ये रहेगा, देखिए इसमें ज़्यादा ना क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मली समुद्र से निकला उसको हमने बेचना है, तो एक प्रोडक्ट लिया और नेचर का प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन आप जितना निकाल सकते हो, जितना सी फूड निकाल सकते हो उतना ही आप बेच सकते हो और अच्छे रेट पे बेच सकते हो। अब लोग जब खाएंगे तो उसके बाद दोबारा डिमांड करेंगे, तो एक नेवर एंडिंग डिमांड है इस प्रोडक्ट की, जिसमें आप बहुत ही अच्छा मार्जिन डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट में भी कमा सकते हो। मैं सलाह इसलिए दूंगा एक्सपोर्ट की कि एक्सपोर्ट में आपको सबसे अच्छा मार्जिन मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसकी शिपिंग की, तो शिपिंग में आप इसे बाय एयर भी भेज सकते हो, बाय सी भी भेज सकते हो। अब ये जाएगा रीफर कार्गो के अंदर, ये बात नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये जाएगा रीफर कार्गो के अंदर, तो इसमें टेम्परेचर आपको सेट करना पड़ेगा। इन्हीं चीजों की हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम बिजनेस कर सके, ताकि हम उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके और ज्यादा मार्जिन
कमा सके। अगर मान के चलिए कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपने रीफर कार्गो तो ले लिया, आपको पता ही नहीं मैं कितने डिग्री में भेजूँ, कितने डिग्री में ख़राब होगा, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, मुझे पैकेजिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो भाई क्या होगा, प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा, बायर आपसे नहीं लेगा। लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये वॉल्यूम में जाएगा तो इन्वेस्टमेंट ये मांगेगा, अगर पैसा कमाना है तो इन्वेस्ट भी ज़रूर करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे मेजर चीज़ इसकी पैकेजिंग की। देखिए ये सबसे ध्यान में रखना है क्योंकि खेल सारा पैकेजिंग का है। बिना पैकेजिंग के भेजोगे तो माल तो वैसे ही खराब हो जाएगा क्योंकि शेल्फ लाइफ कहां मिल पाएगी। चलिए अब आपको बताता हूं पैकेजिंग के बारे में। सबसे पहले इसकी जो पैकेजिंग होती है वो है स्किन पैकेजिंग, जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर से इसको पैक किया जाता है और पेपर बोर्ड जो होता है बैक साइड पे अप्लाई किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिए, स्किन पैकेजिंग में भी बायर आपसे डिमांड कर सकता है। फिर उसके बाद दूसरी पैकेजिंग इसकी होती है फ्लेक्सिबल पाउचेस। ज्यादातर ये फॉयल और प्लास्टिक पेपर के मटेरियल से यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन पैकेजिंग है, आपको यहाँ पे मार्केट में भी इजीली मिल जाएगी। उसके बाद है पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रैपिंग मटेरियल, तो एक ये भी इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी है, अगर बायर आपसे ये मांगता है तो इस पैकेजिंग में देनी है। केन पैकेजिंग अगर मैं बात करूँ, इसकी बहुत ही फेमस पैकेजिंग है और बहुत पुरानी पैकेजिंग है और बायर भी इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा, बट केन पैकेजिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो बायर से आप इसका रेट चार्ज करिए, बायर आपको रेट देगा ही देगा। इसके बाद बात करते हैं वैक्यूम स्किन पैकेजिंग की। आपकी ये भी एक बहुत कॉमन पैकेजिंग होती है सी फूड के लिए, जिसमें आप सी फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगली पैकेजिंग होती है मल्टी लेयर फिलिंग की। तो मल्टी लेयर ये फिलिंग जो होती है, इसमें मल्टी लेयर्स होते हैं, तो ये भी एक पैकेजिंग होती है जिसमें आपको अच्छी खासी डिमांड मिल सकती है। दोस्तों जब आपको बायर सी फूड का ऑर्डर देता है तो वो इंस्पेक्शन ज़रूर मांगेगा। अब इंस्पेक्शन किसका होगा भैया, टेम्परेचर का, आपको पता है टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, मॉइस्चर कंट्रोल हो गया, ऑक्सीजन कंट्रोल हो गया, तो ये ध्यान में रखिए, हमें इंस्पेक्शन करा के उसको सारी चीज़ें देनी है। अगर इंस्पेक्शन के पैसे लगते हैं तो वो बायर पे करेगा, आपको अपनी जेब से पे नहीं करना। अब इसके बाद बात करते हैं सर वेस्टेज की। देखिए अगर मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूँ तो मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता होनी चाहिए कि वेस्टेज कितना होगा और क्वालिटी कौन सी चाहिए और बायर क्या क्या डिमांड करेगा, ताकि मैं पहले से प्रिपेयर हूँ। अगर आप बायर के साथ डील करें और उसने डिमांड की, तो क्या है कि आप उससे ज़्यादा टाइम मांगेंगे। एक बात बताइए, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, मैं थोड़ा बहुत टाइम तो आपको दे सकता हूँ, 2-3 महीने का टाइम नहीं दे पाऊँगा, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा और उसके बाद वहाँ से ऑर्डर लूँगा, क्योंकि भैया मेरा कस्टमर तो खड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होमवर्क पूरा करके रखिए, उसके बाद आप बायर को टारगेट करिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी वेस्टेज की, क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो वेस्टेज भी निकलेगी। वेस्टेज को अलग रख के आपको अपना प्रॉफिट प्रोडक्ट का रखना है, क्योंकि वो वेस्टेज आपके किसी काम के नहीं होगी। दोस्तों वेस्टेज की बात करूं तो इसमें वेस्टेज निकलेगी हेड्स की, सर की, बोन्स निकलेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स निकलेंगे, डेड स्किन होगी वो जो निकाली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब सपोज करो आप मच्छी लेते हो या मच्छी आप मार्केट से लेते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके देनी है। तो ये भी आपको कैलकुलेट करना कि अगर मैंने एक मच्छी ली, उसका जो वेट है वो 300 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम जितना भी है, तो उसके अंदर से कितनी वेस्टेज निकलेगी। वेस्टेज निकालने के बाद आपको प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, उसके खर्चों की कैलकुलेशन करनी है, अपना प्रॉफिट लगाना है, तब बायर को प्राइस देना है। तो यानी खर्चे लगाने हैं, चाहे वो इंस्पेक्शन का हो या पैकेजिंग का हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रॉफिट लगाएं और बायर को दे दें और बाद में अगर बायर ने आपसे डिमांड की, आपको एडजस्ट करना पड़ जाए और वहां पे आपका प्रॉफिट श्रिंक हो जाए या हो सकता है बिल्कुल खत्म ही हो जाए। दोस्तों अगर मैं एक बिगिनर हूं और सी फूड का बिजनेस, सी फूड का एक्सपोर्ट करने जा रहा हूं, तो मुझे सबसे पहले GST चाहिए, करंट अकाउंट चाहिए, IEC कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए और MPEDA की RCMC यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये चाहिए ही चाहिए। अब आप कहेंगे सर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं या मेरा कोई लिंक है जहां से मुझे प्रोडक्ट सस्ता मिल सकता है या मैं अवेलेबिलिटी करा सकता हूं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप MPEDA की जब RCMC लेंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, वो आपको पूरे तरीके से हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, ये भी बताएंगे कि कौन सी कंट्री में आप टारगेट करिए और उस कंट्री की पूरी डिमांड क्या है। अब
एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स होती है ना, ये सरकार ने एक्सपोर्टर की हेल्प करने के लिए ही बनाई गई होती है, तो इसकी मेंबरशिप आप जरूर लीजिए। एक चीज और बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, अलग अलग स्टेट में, दिल्ली, मुंबई, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, अलग अलग स्टेट में हमारी रेगुलर जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने फर्म तैयार की, मैंने काम शुरू किया, प्रोडक्ट की नॉलेज भी होगी, लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कौन से देशों में मैं इम्पोर्ट करूँ, कौन से देशों से मैं एक्सपोर्ट करा सकता हूँ। अब इम्पोर्ट करने के लिए कौन से देश बेस्ट है, एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से देश बेस्ट है, और सबसे बड़ी चीज़, कौन से हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट्स हैं जहां से मुझे ये सस्ता मिलेगा। भाई अगर सपोज करो मेरी स्टेट में नहीं है, जैसे सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, अब दिल्ली में कोई ऐसा कोई कोस्टल एरिया, कोई सी तो है नहीं जहां से मुझे ये प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, तो मुझे उन्हीं जगह पे जाना पड़ेगा जहां पे आपके जो समुद्र के आसपास के होंगे, क्योंकि भाई मछलियां तो समुद्र में मिलेगी ना, दिल्ली में थोड़ी ना मिलेगी, रोड पे थोड़ी ना मिलेगी, तो ये ध्यान में रखना है ये सारी चीजों को। सबसे ज्यादा इंपोर्ट कराने वाले जो देश है जहां आपको सबसे अच्छा मार्जिन मिलेगा वो है यूएसए। यूएसए को टारगेट करिए, और अगर मैं मेरी सलाह माने तो जापान को पहले टारगेट करिए। जापान में सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे सी फूड खाने के लिए, अच्छे बायर मिलेंगे, प्रोफेशनल बायर मिलेंगे। चाइना भी इसे अच्छा खासा इंपोर्ट कराता है, इटली में यह अच्छा खासा इंपोर्ट किया जाता है, और फ्रांस में भी इसको इंपोर्ट कराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इसको अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, बट इंडिया से भी ज्यादा चाइना इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद नॉर्वे की बात करूं, नॉर्वे भी इसको अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, चिली भी एक्सपोर्ट करता है, और थाईलैंड भी एक्सपोर्ट करता है। चलिए इसके बाद आपको बताता हूं कौन सी स्टेट में आपको ये सी फूड सस्ता मिलेगा, कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सी फूड। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से आपको ये बहुत अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में मिल जाएगा, तो आंध्र प्रदेश आपको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो वहां से भी आपको सी फूड इजीली अवेलेबल हो जाएगा, गुजरात में रहते हैं तो वहां से भी मिल जाएगा, केरला से है तो वहां से भी आपको सस्ता मिल जाएगा, और केरला के साथ देखिए तमिलनाडु भी है तो तमिलनाडु से भी आपको सस्ता मिल जाएगा। गोवा की बात करूं तो गोवा से भी सस्ता मिल जाएगा, पुडुचेरी की बात करूं तो पुडुचेरी से सस्ता मिल जाएगा, ओडिशा की बात करूं तो ओडिशा से सस्ता मिल जाएगा, कर्नाटका से बात करूं तो कर्नाटका से सस्ता मिल जाएगा, इवन महाराष्ट्र से भी आपको ये सी फूड बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखिए मेरे पास बायर भी आ गया, मैंने पैकेजिंग भी कर दी, इंस्पेक्शन भी करा दिया, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, पैकिंग लिस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जनरेट करना पड़ेगा, शिपिंग बिल जनरेट करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट बायर को देना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके जब आपका एक्सपोर्ट होगा तो बिल ऑफ लेडिंग आपको मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शिपिंग के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, बनाइए, सीखिए, नहीं आता हमें कांटेक्ट करिए, हम तो हैं ही आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए। अगर आपने हमारे वीडियो देखो तो हम लाइव पोर्ट विजिट कराते हैं, लाइव आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस सिखाते हैं। प्रैक्टिकली अगर सीखना है तो याद रखिए एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करते रहिए, अगर कोई सवाल है तो पूछिए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करिए, इंस्टा पे हमें ज्वाइन करिए, सोशल मीडिया में हम अवेलेबल हैं, हर जगह ज्वाइन करिए, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरीके की नॉलेज चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड तो टेलीग्राम पर भी आप हमें भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.